हमारा जो माइंड है वो पास्ट में और फ्यूचर में भटकता रहता है। अगर पास्ट फ्यूचर को मैं एक वर्ड में बोलूं तो थॉट्स में भटकता रहता है, अनलिमिटेड थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी जो ब्रेन है, जो आपकी ब्रेन है जिसके अंदर एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, जिस वजह से जो काम करना है जो थॉट वहां पर टिका रहना चाहिए वो टिका नहीं रहता, क्योंकि वो एकदम से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एक और थॉट आ जाता है। जैसे मान लो ब्रेन आपकी एक स्क्रीन के जैसी है, उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या चाहते हो एक थॉट है वो बना रहे, मुझे सीए करना है और मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके सीए क्लियर करना है, आप चाहते हो ये थॉट बना रहे, लेकिन ये बना नहीं रहे, और थॉट्स आते रहते हैं अनलिमिटेड। घर में कुछ हो गया उसके थॉट्स आ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, अपने पास से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड डर पैदा हो रहे हैं अंदर कई तरह के, जो गलतियां आपने करी है वो याद आ रही है, मतलब अनलिमिटेड थॉट्स। तो हो क्या रहा है, कोई भी एक थॉट टिक नहीं पा रहा। तो जब टिकेगा नहीं तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, उस पर आप फोकस कैसे करोगे? फोकस करने का मतलब क्या है किसी एक काम के ऊपर, कि उस काम का थॉट आपकी ब्रेन में टिका रहे, बट वो थॉट आए और कुछ सेकंड्स के लिए आए, आप उसको टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतनी देर में और थॉट्स आए उसको बहा करके दे, फिर वो चलने शुरू हो जाए और समझ ही नहीं आए कि उसको रोके कैसे, उन थॉट से हम बाहर कैसे आए, एक गंदी फिल्म चलने लग जाए और समझ ही ना आए कि उस फिल्म से बाहर कैसे आए, वो फिल्म जो हम नहीं देखना चाहते, ये थॉट्स क्या है, फिल्म के जैसे नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्रेन है उसके ऊपर एक थॉट बना रहे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं उसका जो पूरा का पूरा बर्डन है, क्योंकि वो बहाव बहुत तेज है, कि वो बहाव धीरे धीरे कम हो जाए और धीरे धीरे, अभी एक दिन में नहीं होगा, इस समझ से होगा, इतना कम हो जाए तो बिल्कुल ही पीसफुल लगे। एक थॉट आता है पॉजिटिव, उसके बाद में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एकदम से बहा करके ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ गया। मतलब पॉजिटिव रहने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, नेगेटिव रहने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव तो हम है ही, अनलिमिटेड नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी आप लेबल लगा रहे हैं। थॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, थॉट होते हैं। कोई भी थॉट आते हैं आपके माइंड में, अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है जो आप काम आप अभी कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपको उस काम से आपका ध्यान हटा देते हैं। सपोजिंगली मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों के साथ में, मेरा काम क्या है, आपने मुझे एक प्रॉब्लम दी और हमको मिल करके उसका सोल्यूशन निकालना है, यही काम है और तो कोई काम नहीं है। इस वक्त चाहे मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए चाहे पॉजिटिव आए, दोनों ही डिस्ट्रैक्शन है। मैं बैठ करके सोचने लग जाऊँ कितना मजा आएगा, ये वीडियो अपलोड होगी, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, ये क्या है, पॉजिटिव ही बोलते हो ना आप इसको, हाँ मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये पॉजिटिव थॉट बेकार है, किसी काम के नहीं है। जो काम हम अभी कर रहे हैं उससे इसका कोई लिंक नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। चाहे नेगेटिव थॉट्स आए, ये तो किसी को समझ ही नहीं आएगा सेशन, ये तो बहुत डीप है, ये डीप बातें किसको समझ आती है, कौन समझना चाहता है, तो क्या होगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, मेरा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। मिशन क्या है कि आप लोगों की लाइफ बेटर, बेटर होने का मतलब क्या है, आपको समझ आए कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके बिना लाइफ बेटर नहीं हो सकती। कुछ अचीव कर भी लिया ना जो सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ जाना है, इस कॉलेज में घुस गया, ये सिर्फ इल्यूजन्स होती हैं। आपको लगता है कि ये होते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एक बार देखो जिन लोगों के साथ में वो हो गया है, क्या उनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है, उसके बाद में मैं इस कंपनी में घुस जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उस कंपनी में अलग तरह की प्रॉब्लम, आज आपकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम, तब अलग तरह की, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को अगर एक वर्ड में समाप्त किया जाए, एक वर्ड में, वो है थॉट्स। हमें लगता है बाहर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से हमको हो रही होती है। जो लोग आपके घर में जैसे हैं वैसे हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है, तो आप कह रहे हो बिल्ली बुरी है चूहा बेचारा बड़ा अच्छा है, तो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है ये आपकी प्रॉब्लम है। आपके घर में कोई डोमिनेटिंग है तो वो बिल्ली हो गया, आप चूहे हो गए, तो आप कह रहे हो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है, अरे खाती है, ऐसी ही है बिल्ली, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसके अपने ही थॉट्स, उसके अपने ही गलत थॉट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉन्ग थिंकिंग। देयर इज राइट थिंकिंग एंड देयर इज रॉन्ग थिंकिंग, एंड देयर इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड देयर इज नेगेटिव थिंकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग, कि ऊपर से आकर के आपको पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव सोचो, उसे क्या होता है, कुछ नहीं होता, टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं, परमानेंट सोल्यूशन क्या है, राइट थिंकिंग।